हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि इज रस। तो आज का जो वीडियो वो है नोएडा हार्ट का, ये है पार्ट टू। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, तो चलिए वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो इस वीडियो की जो आपको पूरी डिटेल चाहिए वो मेरे पहले पार्ट में है, आप उसे चेक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल से पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो यहाँ लगा हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर का लगा हुआ है, जो मेन मिल रहा है यहाँ बुलन। तो अगर आपको बुलन लेना है और जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल चीज़ें लेनी है तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें कैप्चर करी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पहले भी थी, जैसे क्रॉकरी हैं, ये मैट्स वगैरह हैं, ये सब कालीन वगैरह यहाँ अच्छे हैं, लेकिन ये लगी रहती है, क्योंकि मैं पहले भी गई थी, ये तब भी लग रही थी और ये अब भी लगी हुई है। जो मैंने पहला पार्ट बनाया था उसमें यूपी का था, उसमें टोटल यूपी की शॉप थी हर सिटी की। लेकिन अभी जो मेन लगा हुआ है वो बुलन लगा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का। 28 तक तो है, आगे का पता नहीं, लेकिन हाँ 28 तक तो अभी है वहाँ। ये पहले नहीं थी, ये अभी लगी हुई हैं इस तरह की। तो ये अच्छे मिल रहे थे, ये 1000 से स्टार्टिंग थी यहाँ पे। ये छोटे छोटे 600 700, ये सब मार्बल की चीज़ें थी। ये जितना भी चीज़ थी वो सब मार्बल की। क्रॉकरी पहले भी थी, क्रॉकरी सेम थी, क्योंकि क्रॉकरी की जो होती है वो सेम यही थी, पहले भी थी और ये अब भी थी। ये इन्होंने 300 का बताया था, ये 500 में दो का सेट था, इस तरह से थी। क्रॉकरी थोड़ी महंगी थी। अगर आप बंजारा मार्केट एक बार कर लेंगे, जैसे कि मैं कर चुकी हूँ, तो मुझे एक क्रॉकरी बहुत महंगी लगती है, मैं जहाँ भी देखती हूँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत सस्ती क्रॉकरी मिलती है। ये लेदर की शॉप थी, इसमें टोटल लेदर के पर्स थे, पर्स में अच्छी वेराइटी थी। अगर आपको पर्स लेना है तो आप यहाँ जा सकते हैं लेने। ये 700 के थे, जो आगे थे ये अच्छे लगे थे। ये जो जैकेट थी ये 700 की थी। वैसे 10% 20% डिस्काउंट देके ये चीज़ों को दे रहे थे। तो अगर आपको बुलन लेना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें पहले भी थी और अब भी थी, लेकिन ये चीज़ें अगर आप जनपद से लेंगे तो वहाँ ज़्यादा सस्ती हैं। लेकिन ये लोग बाहर से यहाँ आते हैं शॉप लगाने, तो थोड़ा सा तो महंगा देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अच्छी से करेंगे बार्गेनिंग तो ये कर लेते हैं। ये कश्मीरी सारे सूट थे, कुर्ते थे, ये सिर्फ कुर्ते थे। तो ये 700 से स्टार्टिंग थी, 700 800 600 का भी था इसमें। ये सारे स्टॉल थे, ये 1000 के थे, बहुत सॉफ्ट वाले, जो शॉल होती है ना उस तरह से थे, स्टॉल नहीं शॉल थी ये। ये कॉटन की पैंट थी, ये 300 में थी, 300 400 इस तरह से थी ये। और ये सारे स्टॉल पहले भी लगे हुए थे और अब भी लगे हुए, पापड़ चिप्स वगैरह के। ये बेड शीट की शॉप थी, तो ये बहुत अच्छी थी, पता नहीं आगे लगेगी या नहीं, लेकिन इसमें बेड शीट्स बहुत अच्छी थी। साइज़ अगर आपका बहुत बड़ा साइज़ है, किंग साइज़ से ही बड़ा बेड है आपका, तो आप यहाँ जाके बेड शीट ले सकते हैं। कलर, डिज़ाइन, प्रिंट बहुत अच्छा, मतलब टोटल चीज़ें उस पर दरी थी और केवल बेड शीट्स थी। और जो स्पेशल रहता है ना, कि स्पेशल कुछ बेड होते हैं कि बहुत बड़ा साइज़ होता है, हमारे पास था वो बहुत बड़ा साइज़ था, हम उसके लिए स्पेशल ढूंढते थे बेड शीट, तो उसके लिए बेस्ट शॉप थी। तो आप यहाँ जाएँ तो आप यहाँ बेड शीट ले सकते हैं, बहुत रीज़नेबल रेट में थी। ये इन्होंने 650 की बताई थी, लेकिन हाँ 550 में ये देने को इसको तैयार हो गए थे। ये सारे इसके कलर थे, इसमें कुछ 550 की भी थी, 650 की भी थी, इस तरह से थी। और जो दरी वाले कालीन होते हैं वो भी अच्छे थे इनके पास, इस तरह से। ये 700 के भी थे, 1000 के भी थे, थोड़ा कम भी करके दे रहे थे। अगर आपको लेनी है तो ये कम करके लगा रहे थे। तो आपको बड़ी साइज़ की बेडशीट चाहिए जो आपको मार्केट में नहीं मिल पाती, तो आप इस शॉप से यहाँ नोएडा हाट में जाके ले सकते हैं। ये 550 में देने के लिए तैयार हो गया था इस बेडशीट को। ये सारे बुलन सूट थे, बुलन अच्छा वाला और लाइट वेटेड, वो वाला बुलन नहीं था, बहुत हैवी स्टफ हो जिसका। ये सारे स्टफ थे, ये प्लेन आप पैंट बनवा सकते हैं उसके लिए थे, ऊपर से कुर्ती के लिए साइड से ले सकते थे। ये 300 रुपये मीटर, 250 रुपये मीटर, 500 रुपये मीटर, इस तरह से अच्छे स्टफ थे। अगर आपको बुलन सूट के स्टफ चाहिए, पूरा सूट चाहिए विद शॉल, तो आप ले सकते हैं। इस शॉप पे भी अच्छे सारे सूट थे बुलन। ये इन्होंने 1200 रुपये का बताया था सूट। ये ऊपर कुर्ती का था, नीचे पैंट का था, और इसमें स्टॉल भी था।
अगर आप वहाँ लेने के मन से जाएंगे ना तो ये आपको लगा के अच्छे से दे देंगे। सूट में बहुत अच्छी थी क्योंकि कश्मीर की शॉप थी, जो बुलन स्टफ था वो सारी जम्मू एंड कश्मीर की शॉप थी, तो वो इतनी दूर से आए तो आपको देकर ही जाएंगे, तो आप मतलब इतना कम भी ना करें क्योंकि इतनी दूर से आए हैं। ये सूट मैंने वहाँ से ये लिया था, ये मैंने लिया है वहाँ से। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं लाई तो मैं हॉल क्या बनाऊँ, लेकिन ये वाला सूट मैंने वहाँ से ख़रीदा है। इन्होंने 2100 रुपये का बताया था और ये इन्होंने मुझे 1800 रुपये में दी, 1700 रुपये में, सॉरी 1700 रुपये में, 1750 रुपये में इन्होंने मुझे ये दे दिया। ज़्यादा जो इन्होंने रेट कम करके बताया उसमें ले लिया, क्योंकि ज़्यादा कर ही नहीं, क्योंकि बाहर से आए हैं तो ज़्यादा कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जितने का देना होता है वो आपको दे देंगे, आपको जाने नहीं देंगे अगर आप वहाँ लेने के मन से गए हैं तो। इसमें ये पूरा स्टॉल है। अच्छा था ये सूट, जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको उसको दिखाऊंगी तैयार करके। शॉल बहुत अच्छी थी, शॉप पे स्टॉल बहुत अच्छी थी। ये कॉटन में थी, ये शॉप पहले भी थी, तो कुछ शॉप थी जो पहले भी थी वो अब भी हैं। ये टेराकोटा का सारा जो होता है मटेरियल, ये दिल्ली हाट में बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा सस्ते हैं या यही महंगे दे रहे थे इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली हाट में भी मिल जाएंगी, तो अगर आपको पसंद है तो आप ये दिल्ली हाट से लें क्योंकि वहाँ ज़्यादा सस्ते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा कम था, या तो यूपी की सारी शॉप आई थी इस टाइम, उस टाइम बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ था, इस टाइम बहुत सारी शॉप बंद थी नहीं, कुछ कुछ थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का था तो वो एकदम सेलेक्टेड थी, ज़्यादा नहीं थी कि बहुत सारा भरा हुआ था, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मार्केट फुल था। जो मेरा पहला वीडियो उसमें ना बहुत पूरा मार्केट फुल था। ये क्रॉकरी वाले पहले भी थे, इन पर क्रॉकरी अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी इनकी क्रॉकरी, तो आप अगर आपको लेने का मन है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं इनसे। तो ये पूरे एरिया में सिर्फ इतना लगा हो, तो जब मेरा पहला पार्ट देखेंगे तो वो काफ़ी रश वाला था, अभी इतना रश भी नहीं है वहाँ। लेकिन हाँ, मैं बुलन सूट के लिए आपके लिए बोलूँगी कि अगर आपको बुलन सूट लेने हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। क्रॉकरी की तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, और यहाँ भी आपको अगर कुछ पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। तो इनके रेट ऐसे थे 500, 600, 700, 800, मैंने टोटल चीज़ों के रेट नहीं पूछे यहाँ से। ये 300 की थी बोतल ये सारी, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा बहुत बहुत हाई रेट बोल रहे थे, अब कहाँ तक किस चीज़ को कम करेंगे। क्रॉकरी के रेट बहुत हाई थे, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से बताऊँगी कि अगर आपको वूलन सूट लेने हैं, वूलन स्टफ लेना है अपने लिए, तो आप यहाँ ज़रूर एक बार जाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मिल रहा था। ये पूरा सेट था, ये 700 का इन्होंने बताया था, मैंने 500 लगा लिए थे लेकिन इन्होंने नहीं दिया था 500 का। कुछ होता है जब आप एक बहुत सस्ता मार्केट कर लेते ना, जैसे कि आप बंजारा मार्केट, जो लोग बंजारा मार्केट गए ना उनको ये सारी क्रॉकरी ना जब ये बताएंगे तो बहुत महंगी लगेगी, और जो लोग बंजारा मार्केट नहीं लाए उन्हें वो रेट सही लगेंगे। तो मेरे साथ वही है कि मैंने बंजारा मार्केट एक बार विजिट कर लिया है ना, तो मुझे क्रॉकरी के ना बहुत हाई रेट लग रहे थे। ये भी जम्मू एंड कश्मीर की शॉप थी, इस पर डेकोरेशन के सारे आइटम थे, लेकिन बहुत 4000, 5000, 3000 इस तरह के थे, बहुत बहुत महंगा दे रहे थे ये भी। ये आइटम अच्छे थे, ये 200 के थे। ये हाथ के बने हुए थे, मशीन के नहीं थे, वो बता रही थी कि हाथ के बने हुए इसलिए थोड़े से महंगे हैं। ये स्टॉल थे, इन पे भी सूट थे, रेट सूट के और उसके जो स्टफ था बुलन उसके सेम रेट थे, जिस भी शॉप पे आप जाएंगे सेम रेट थे। लेकिन हाँ, ये था कि ये आपको सही रेट लगा कर दे रहे थे। तो वहाँ ओवरऑल मैं आपको कहता हूँ कि अगर मुझे जो अच्छा लगा, क्रॉकरी, मैट्स, ये सब तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो वहाँ सबसे अच्छा था ना वो बुलन स्टॉक था। तो आप वहाँ जाएं तो बुलन में आप अपने ला सकते हैं स्टॉक करके, क्योंकि अच्छा कलेक्शन था सूट के में।
काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और जिस शॉप से मैंने लिया तो मैंने उस भैया की पिक्चर्स भी दिखाई थी आपको, आप उन शॉप पे जाना, कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन उन पे ना अच्छे सूट के डिज़ाइन थे बूलन में। इसमें सिल्क के, कॉटन के, हर तरह के सूट थे इनके पास। ये साड़ियाँ थी, लेकिन ये सारी साड़ियाँ 3000 से स्टार्टिंग थी, 3000, 4000 इस तरह से साड़ियाँ सुंदर थी। लेकिन और ये आपको हर जगह मिल ही जाएगा, लेकिन इन पे ही सारी, इनकी रेट सारे सही थे। आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो आप इस शॉप से ले सकते हैं, इनके जो भी रेट थे वो सही थे। ये इन्होंने 1500 का बताया था ऊपर का केवल। और जो जितने भी फाउंटेन थे 500, 700 इस तरह से थे, विद स्टैंड। और ये जो तुलसी जी के गमले थे, ये इन्होंने 300 का बताया, फिर 250 का लगा लिया था। तो इस शॉप पे ना अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो ज़्यादा चीज़ें रीजनेबल रेट की थी। और ये शॉप वहाँ रहती है हमेशा, ऐसा नहीं है कि अभी है, ये आप जब भी जाएंगे, मेरी पहली वीडियो थी उसमें भी थी और अब भी हैं। थोड़ा अलग शॉप हो जाती हैं कि कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, लेकिन ये चीज़ें मिलती हैं। ये इन्होंने 700 का बताया था। हाँ, ये रियल पर्ल की ज्वेलरी थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन अच्छी चीज़ें थी इसके पास। अगर आपको ये सब चीज़ें लेना पसंद है, पहनना पसंद है इस तरह की, तो आप ले सकते हो। जो ये रिंग थे वो छोटे से छोटे रिंग थे, वो 300 से स्टार्टिंग थी। कोई कोई चीज़ ना, ये यहाँ शॉप वाले बहुत महंगी देते हैं। कोई कोई चीज़ें हैं जो बहुत ठीक थी, कि आपको लग रहे थे कि ये ठीक है रेट, लेकिन जैसे शॉप पे थी तो वो रियल पल बता रहे थे, लेकिन बहुत बहुत महंगी दे रहे थे चीज़ें। क्रॉकरी का स्टैम्प बहुत सारा आइटम आया हुआ है, अगर आपको क्रॉकरी लेनी है, आप बंजारा मार्केट या कहीं और नहीं जा सकते, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पॉट्स में भी बहुत सारी वैरायटी, क्रॉकरी हुए, पॉट्स हुए, और ये वाटरफॉल वगैरह, इस साल में बहुत सारी वैरायटी थी इस बार, बहुत ज़्यादा। ये सारे प्लांट्स के पॉट थे। एक और शॉप थी यहाँ पे जिस पे ये अच्छे थे, ये सब 1000 इस तरह के, 2000 की रेट में। अगर आपका गार्डन एरिया है तो वहाँ पर ये फाउंटेन अच्छे लगेंगे। इसमें सारी 100 से स्टार्टिंग थी, 100 के, 200, 300, सबके रेट अलग अलग थे। ये 300, 500 के थे। ये सारे प्लांट्स के पॉट थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। अगर आपके बालकनी या प्लांट्स आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्लांट्स तो ले सकते हैं। उनके रेट भी ठीक थे, प्लांट्स वगैरह के रेट ठीक थे, इनके प्लांट्स, सॉरी प्लांट पॉट्स के, इनके रेट भी ठीक थे, तो आप ले सकते हैं। क्रॉकरी की मैं आपको फिर से बताऊँ, क्रॉकरी ये बहुत महंगी दे रहे थे। ये प्लेट जो मैंने आपको दिखाई थी, ये 3500 में दे रहे थे। ये एक शॉप थी, ये पूरा इनका हैंडमेड था, सारी चीज़ें इन्होंने खुद से बनाई हुई थी। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो कार्ड दे देंगे ये, तो आप ऑर्डर से भी बनवा सकते हैं सारी इनकी, जैसे कि
आपकी हल्दी की प्लेट या रिंग सेरेमनी की प्लेट या आपकी जो बेबी शावर होता है उसके लिए डेकोरेट करने वाली प्लेट, ये इनका सारा खुद का हैंडमेड वर्क था। जब आप चाहेंगे तो इन्होंने कार्ड दिया तो उसमें नंबर था इनका, व्हाट्सअप नंबर, तो आप चाहें तो ऑर्डर से भी इनसे बनवा सकते हैं। ये इस शॉप पे अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप इस शॉप पे जा सकते हैं, तो आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप ऑर्डर से भी इन चीज़ों को तैयार करवा सकते हैं। तो पहले से थोड़ा हल्का मार्केट था, मतलब ज़्यादा शॉप नहीं थी, लेकिन जो भी थी वो अच्छी थी। तो अगर आप मेन आप यहाँ जाएँ तो आप एक तो प्लांट स्पॉट के लिए जाएँ अगर आपको लेना हो, और आपको बूलन स्टफ लेना है तो आप उसके लिए यहाँ ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि बूलन के जो सूट थे उसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। बाकी चीज़ें ओवरऑल आपको हर बार मिल जाएंगी, इस तरह के चटनी पापड़ ये सब हर बार ही लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगता। लेकिन जो वहाँ सबसे अच्छी चीज़ें थी वो यही थी, एक तो पॉट्स थे जो प्लांट के, और दूसरा बूलन स्टफ। वो ओवरऑल कश्मीर का तो अच्छा ही था, डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी। और इसी के बराबर में चौकी हवेली, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक चीज़ बता दूं, चौकी हवेली के लिए अगर आप 25 को जाना चाहते हैं, 31 को या 1 तारीख को, तो इनके जो रेट हैं वो 850 हो जाएंगे। और बोल वैसे 550 या 500 के समथिंग होते हैं, लेकिन जब आप 25 को जाएंगे और 31 को या 1 तारीख को, तो जो इनके रेट हैं वो इन्होंने डबल कर दिए हैं 850। तो वो आप सोच के जाएं, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है तो इन्होंने इन 3 डेज में ये थोड़ा महंगा कर दिया है। बाकी के जो नॉर्मल दिन है वो उसमें आपको वही उसी की टिकट लगेगी 550 की समथिंग। तो अगर आप चौकी हवेली जाएं तो 25 को या 31 को, 1 को सोच कर जाएं। तो यहाँ जाने के लिए अगर आप नोएडा शिल्पहाट जाना चाहते हैं तो आप दोनों काम कर सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं चौकी हवेली, और ये भी कर सकते हैं, दो काम आपके एक दिन में हो जाते हैं। बाकी जो फुल डिटेल है चौकी हवेली की या फिर इस शिल्पहार उस सब की, वो टोटल मैंने अपनी पहली वीडियो में उसकी लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया समझ ना आए, मैंने उसमें पूरी डिटेल से बताया है, क्योंकि मेरी दोनों वीडियो बनी हुई हैं, चौकी हवेली की भी बनी हुई है और इसकी शिल्प उत्सव की बनी हुई है, कि कैसे जाना है कहाँ जाना है। इसमें तो सिर्फ ये सेकेंड पार्ट है, तो मैंने पूरी डिटेल से नहीं बनाई है। तो इसी के बराबर में ये चौकी हवेली है, रात में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ जाना, दिन और यहाँ ये 12:30 बजे शुरू होती है और रात के 10 बजे तक। बाकी फुल डिटेल के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।